यार ये वाला डोम सेशन वन ऑफ द मोस्ट सैड डोम सेशन था। यहाँ पर अदित एंड खनक की लव स्टोरी बनते बनते ब्रेक हो गई। मुझे लग रहा था कि अदित भी शो को छोड़कर चला जाएगा एज खनक वॉज गोइंग, बट अभी वो गेम में है एंड एक न्यू वाइल्ड कार्ड एंट्री हो चुकी है। वाइल्ड कार्ड एंट्री का नाम है स्वास्तिका, जिसको आप सचिन शर्मा की एक्स गर्लफ्रेंड कह सकते हो। खनक और युवराज के एलिमिनेशन के बाद एक न्यू चैप्टर खुला जो काफी लंबा चला, जहाँ पर सचिन शर्मा से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली सचिन भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि स्वास्तिका शो में आ जाएगी और वो खुद को सही तरीके से डिफेंड ही नहीं कर पाए। वन मोर गाय दैट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट इज दिग्विजय राठी। भाई वोट आउट्स के टाइम पर दिग्विजय ने जो कुछ भी किया, मैं उसको ही असली मास्टरमाइंड बोलूंगा, क्योंकि वो अपने दोस्त लक्ष्य को बचाना चाहता था और उसने पूरी की पूरी गेम पलट कर रख दी। मैं गेम को लेकर बाइस्ड नहीं हो रहा हूँ, बट शो के शुरुआत से ही आकृति, श्वेत, एडी, जशवंत इन लोगों का डोमिनेंस था। लेकिन जब से दिग्विजय राठी की एंट्री हुई है, मैं गेम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ, भाई बंदा शाइन कर रहा है। वेल, सचिन शर्मा का चैप्टर काफी लंबा चला और लग रहा है कि अब उन्होंने फिर से फ्लिप मार दिया है, क्योंकि अब तक वो इशिता के साथ थे, फिर शुभी आई तो उन्होंने शुभी के साथ फ्लर्ट किया, एंड नाउ स्वास्तिका उनकी ओल्ड फ्रेंड शो में आ गई हैं। और देखकर तो अब यही लग रहा है कि अब वो स्वास्तिका के साथ ही आगे कनेक्शन फॉर्म करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट एपिसोड में आप सभी लोगों को देखने को मिलने वाला है उर्फी जावेद AKA मिस्चिफ मेकर्स के धमाके। उर्फी लव डेन में स्प्लिट विलन्स को बुलाने वाली हैं, कुछ स्प्लिट विलन्स को बुलाने वाली हैं एंड उनको कुछ सीक्रेट टास्क दिए जाएंगे, जिसमें उन्हें अपने पार्टनर को रुलाना है, गुस्सा दिलाना है, फ्रस्ट्रेट करना है और तरह तरह के इमोशंस उनके अंदर से निकलने चाहिए। अगर वो ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो इस सीक्रेट टास्क के वो विनर बन जाएंगे और मे बी पॉसिबली उन्हें इम्यूनिटी मिल जाएगी एज अ कपल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं हर्ष कितना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है, रोशाली के साथ भी उसकी लड़ाई हो गई, शुभी भी वहां पर रोने लग गई, अरबाज नायरा जिनका अब तक सब कुछ सही चल रहा था, बट अरबाज ने अपना सीक्रेट टास्क परफॉर्म किया और नायरा ने उसको बोल दिया कि मुझे घुमाने वाले लड़के नहीं चाहिए। ऑल्सो एडी कर्सेस जशवंत आकृति सब लोगों को एकदम से ऐसे लग रहा है कि एक ही दिन में सबका प्यार जो है गोल हो गया है और सबके ब्रेकअप्स हो रहे हैं। मतलब भाई जो उर्फी जावेद ये करती ना शो के अंदर, ऑडियंस को उनके लिए तालियां बजानी चाहिए। अनिका अपने एक्स बॉयफ्रेंड लक्ष्य के पास जा रही है, उससे बात कर रही है, उसके साथ मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर रही हैं, और श्वेत तोमर वहां पर हो जाता है इनसिक्योर और वो अनिका को बोलते हैं कि भाई तू मुझसे बात मत कर, तू उसी के पास जा, अपने एक्स से ही बात कर, मेरे पास मत आ। अभी नेक्स्ट एपिसोड देखने में मजा तो बहुत आने वाली है, बट जो कुछ भी ड्रामा पिछले एपिसोड में हुआ, आप लोगों का सबसे मेन हाईलाइट क्या था इसमें प्लीज नीचे कॉमेंट डाउन बिलो। एंड विद दिस सेड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।